अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कीमा कढ़ाई, जिसके लिए मैंने कीमा ले ली हूँ 400 ग्राम। वो कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे, गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे और ऑयल ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे हम। ऑयल ऐड करके हमें 10 मिनट हमें अच्छे से कीमे को ऑयल में फ्राई करना है। कीमे को मैंने अच्छे से 10 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ। अभी हमें इसमें कुछ और चीजें शामिल करूंगी। हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली हूँ बड़ी, वो मैं बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और 3 टमाटर ली हूँ, उसे मैं ऐड कर दूंगी। और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली थी, उसमें मैंने पानी मिला ली आधा कप, वो ऐड कर दूंगी। और टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को। कुटी हुई मिर्चें ऐड करूंगी मैं, चिली फ्लेक्स 1 बड़ा चम्मच जितना ऐड करेंगे हम। और आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। और ढक के हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, कीमे को गलने देंगे। चलिए अब हम चेक करेंगे कीमा। टमाटर के छिलके हम निकाल लेंगे सारे। टमाटर के सारे छिलके मैंने निकाल दी हूँ और अच्छे से हम इसे कीमे में पका लेंगे। टमाटरों को अच्छे से मैंने पका ली, उसमें मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें मैं 100 ग्राम दही ऐड करूंगी और दही को भी हमें अच्छे से पानी सूखने तक भूनना है कीमे में। पूरा ऑयल सेपरेट होने तक हम दही को भूनेंगे कीमे में। दही को मैंने अच्छे से कीमे में भून ली हूँ, ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमें अच्छे से भूनना है कीमे को। जितना हम कीमे को भूनेंगे फ्राई करेंगे उतना टेस्टी बनती है कढ़ाई। अभी हम उसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, इसे भी अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हमारा कढ़ाई कीमा तैयार है। अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे जुलियन में कटी हुई। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो कढ़ाई कीमे की, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।